ओके हेलो बच्चों, चलिए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे थे हम लोग। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट दिमाग में है कि नहीं है? क्या था कॉन्सेप्ट? सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे प्रॉफिट कहाँ है। तीन चीज़ें घटाएंगे। सबसे पहला क्या घटाएंगे प्रॉफिट में से? पहला आप लोग तीन चीज़ें घटाओगे, जैसे इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स लोन, नंबर दो मैनेजर्स कमीशन, नंबर तीन रेंट टू द पार्टनर। ये तीन चीज़ें अगर हैं तो प्रॉफिट से घटा लेना। उसके बाद उस प्रॉफिट को कहाँ लिखोगे? अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखोगे। लिख दिए। अब क्वेश्चन में चेक करोगे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? अगर है तो उसकी एंट्री डेबिट में। किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन अच्छा पार्टनर्स रेमुनरेशन है क्या? अगर है तो डेबिट साइड में। कोई पैसा आपने किसी फंड में ट्रांसफर किया है क्या? अगर किया है तो डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्या कैपिटल की एंट्री की जाती है पीएल में? क्या ड्रॉइंग्स की एंट्री की जाती है? बिल्कुल नहीं। आया बात समझ में कि नहीं आया? आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा टॉपिक की, और एक टॉपिक की बात करेंगे पार्टनर्स कमीशन। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? पार्टनर्स कमीशन। देखो पार्टनर फर्म में क्या करता है? काम करता है। अब वो तरह तरह के काम करता है। कई बार वो अकाउंट का काम देखता है, कई बार वो माल बेचने का काम करता है, खरीदने का काम करता है। तो उसके काम के बदले उसको रेमुनरेशन देना पड़ता है, या तो सैलरी देंगे या बोनस देंगे या फिर कमीशन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कमीशन। और ज्यादातर ये कमीशन किस पे दिया जाता है पता है तुम लोगों को? ऑन नेट प्रॉफिट। किस पे दिया जाता है? जनरली नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है। समझ आया कि नहीं आया? अब जो कमीशन दिया जाएगा वो दो प्रकार का नेट प्रॉफिट पे होगा। प्रॉफिट भी दो प्रकार का होता है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। सबसे पहला क्वेश्चन में लिखे रहेगा जो कमीशन दिया जाएगा, जो भी कमीशन दिया जाएगा वो कैसे प्रॉफिट पे दिया जाएगा, मतलब कैसे प्रॉफिट पे दिया जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। नेट प्रॉफिट क्या? बिफोर कमीशन पे दिया जाएगा, या फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मतलब वो कमीशन, जो कमीशन आप निकालने बैठे उसको घटा देगा, उस कमीशन पे क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ये हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है। देखिए समझाते कैसे। देखो क्या बोले, एक मैनेजर है आपके, मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपके बिजनेस में एक मैनेजर है। अब इस मैनेजर को आप क्या देते हो? कमीशन देते हो। और क्या बोला आपने उसके मैनेजर को कि देख भैया तेरे को कमीशन देंगे 10% ऑन नेट प्रॉफिट। जितना नेट प्रॉफिट आएगा ना उसका 10% वो कमीशन देंगे। अभी नेट प्रॉफिट आता कैसे है? बिजनेस के तमाम इनकम्स को आप जोड़ते हैं, सही बात है कि नहीं है? मान लीजिए बिजनेस में कुल मिला के 10 लाख 1 लाख रुपए का इनकम हुआ, सारे इनकम को आप क्या करोगे? जोड़ोगे। बिजनेस के तमाम खर्चे को आप क्या करोगे? घटाओगे। तो मान लीजिए साल भर के खर्चे कितने हुए? 80,000 घटाए, कितना रुपया आया? 20,000 रुपये। ये आपका नेट प्रॉफिट आया कि नहीं आया? अब देखो खर्चे को घटाओगे तब जाके क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। ये जो कमीशन दे रहे हो ये भी तो एक खर्च है। तो जैसे ही आप बोलेगा मैनेजर को कमीशन दो नेट प्रॉफिट पर, तो तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज है उस चीज़ का। आप तुरंत अपना दिमाग चलाएंगे, सेल्फ माइंड चलाएंगे। आप सोचेंगे यार कमीशन भी तो खर्चा है सर, कमीशन। आप क्या बोलोगे? सर वो कैसा नेट प्रॉफिट? कमीशन काटने के बाद की कमीशन काटने के पहले? क्योंकि कमीशन भी तो खर्च है, जो कमीशन आप निकालने बैठे वो भी तो खर्च है। तो कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा वो वाला, या कमीशन निकालने के पहले जो नेट प्रॉफिट आएगा वो वाला? अगर मैं आपको कहता हूँ कि नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, हाँ भाई कमीशन तो 10%, आप बोले कितना देना सर? तो मैंने बोला है वो बिफोर कमीशन का दे दो, बिफोर कमीशन का दे दो। तो आप क्या करेंगे? सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कमीशन के लिए। तो बेटा डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगेगा कमीशन का, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना नेट प्रॉफिट। जितना नेट प्रॉफिट आया रहेगा ना बिफोर कमीशन, क्वेश्चन में दिया रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन काटने के पहले का जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया रहेगा, उस नेट प्रॉफिट के अमाउंट के यहाँ लिख लेना। इनटू करना क्या? रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 आंसर आ जाएगा। समझ आया? आपका कमीशन निकल आएगा, क्लियर? बिफोर के केस में। और अगर अब आप पूछे सर ये नेट प्रॉफिट दे, कमीशन देना है किसका देना है? मैं बोला आफ्टर का दो, मतलब कमीशन काटने के बाद का दो। कैसे दोगे? तब वहां फॉर्मूला लगेगा कमीशन के लिए, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन काटने के पहले जो प्रॉफिट आएगा। और ऑब्वियस ही बात है यार, जो प्रॉफिट रहेगा वो कमीशन काटने के पहले ही का रहेगा। कमीशन हमको पता ही नहीं है तो कहाँ से आफ्टर कमीशन लिखेंगे, ठीक है? तो जितना नेट प्रॉफिट रहेगा बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन डाल देना। समझ आया कि नहीं आया? तो दिमाग बैठा लो, अगर क्वेश्चन में बिफोर कमीशन बोलेगा तो सीधा परसेंट चार्ज कर दो, जितना नेट प्रॉफिट रहेगा उसका जो कमीशन का परसेंट रहेगा उसको लगा देना सीधा डिवाइड बाय 100। और अगर कमीशन आफ्टर वर्ड लिखा रहेगा तो हमेशा याद रखना रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट लगाना है फॉर्मूले में। हाँ जी, बिफोर ही रहेगा वहाँ पर, बिफोर ही रहेगा, मतलब कमीशन काटने के पहले का ही प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट आया ना कमीशन काटने के पहले का,
कमीशन काटने का निकालेगा, हाँ लेकिन निकाल रहे आफ्टर कमीशन, कमीशन निकालने बैठे ना हम लोग। फॉर्मूला भर दिमाग बैठा लो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। फॉर्मूला दिमाग बैठा कि नहीं बैठा? हाँ, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। हाँ बस ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। क्वेश्चन पढ़ना बिफोर बोला है कि आफ्टर बोला है। बिफोर बोला तो ये फॉर्मूला लगा के सीधा, मतलब सीधा रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 डायरेक्ट, जितना प्रॉफिट है परसेंट चार्ज कर दो। लेकिन अगर आफ्टर वर्ड लिखा है तो तुरंत क्या करोगे, जितना कमीशन रहेगा, जितना नेट प्रॉफिट रहेगा, नेट प्रॉफिट का सीधा रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्लियर है आप सभी को? नहीं है, नोट करिए जल्दी से। ओके चलिए क्वेश्चन करके दिखाएं आप लोगों को। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए क्वेश्चन है, मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए एमपी है, ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फर्म। कहता है कि ए और बी दोनों पार्टनर्स थे फर्म में। ए इज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। ए को सैलरी मिलता है, क्या बोल रहा है, ए को सैलरी मिलता है 15,000 रुपये पर मंथ। देखो ए को सैलरी मिलता है 15,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और साथ में देखो सैलरी मिलता है 15,000 पर मंथ और साथ में क्या मिलता है उसको, कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। और कमीशन के बारे में क्या बोल रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या बोल रहा है? 10% ऑन नेट प्रॉफिट। और क्या कह रहा है? बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर, देखो बिफोर वर्ड लिख दिया है, 10% और कमीशन काटने के पहले दो। आगे फिर लिखा है बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। अब बी, जो बी है उसको भी क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। तो बी बोल रहा है बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%। बी को भी कमीशन मिलता है और कितना कमीशन मिलता है, 10% मिलता है ऑन नेट प्रॉफिट ऑफ नेट प्रॉफिट। बट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन काटने के बाद, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन मतलब आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके खुद का कमीशन काटने के बाद, ठीक है, मतलब खुद का कमीशन काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका कितना परसेंट देते हैं, इतना परसेंट क्या करते हैं, दिया जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो बताइए, बोल रहा है देन आप यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना, मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो यहाँ बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऊपर हेडिंग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो बिल्कुल सिंपल कहानी है। नीचे लिख देना फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड एंडेड ऑन 31st March। अब जो भी साल होगा, साल को दिया नहीं तो इग्नोर करो उस बातों को, इस तरह से, ठीक है। चलो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, अच्छा प्रॉफिट दिया है क्या, इसमें प्रॉफिट पढ़े नहीं हम तो। इसमें दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2022। देखो लिखा है 31st March 2022 को जो प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 440,000 रुपये दे दिया है। प्रॉफिट दे दिया है कितना, 440,000 आपको प्रॉफिट क्या कर दिया है, दे दिया है, ठीक है। चलो बताओ आपको सिखाया गया है प्रॉफिट कितना दिया, पहले जल्दी से खोजे करो प्रॉफिट कितना दिया, जल्दी बोलो प्रॉफिट कितना दिया है, 440,000 दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। मैंने बोला था तीन चीज़ें घटा लेना, कौन कौन सी चीज, जल्दी बोलो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर्स कमीशन और नंबर तीन रेंट टू द पार्टनर। क्या ऐसा तीनों में से कोई चीज़ है? नहीं है तो इग्नोर करो, सीधा प्रॉफिट लिख लो क्रेडिट साइड में। क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो प्रॉफिट कितना, 440,000। ओके बच्चों अब याद करो डेबिट साइड में क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या यहाँ जिक्र है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? नहीं है सर, इग्नोर करो। फिर आपको बताया गया था डेबिट साइड में क्या लिखते थे, रेमुनरेशन लिखते थे। क्या लिखते थे, क्या है, हाँ सर है, कमीशन के रूप में है ना, तो दे दे कमीशन, पहले रेमुनरेशन दे। क्या बोला, देखो ए को सैलरी मिलता है, किसको सैलरी मिलता है, ए को। बोलो किस साइड एंट्री करूँ, डेबिट साइड में लिखूंगा टू ए सैलरी। क्या लिखेंगे, टू ए सैलरी। कितना सैलरी मिलता है इसको, 15,000 पर मंथ, तो एक महीने का 15,000, अप्रोप्रिएशन साल भर के हिसाब से मनाया जाता है, तो 15,000 इंटू 12 कर डालो। चलो जल्दी करो, 15,000 इंटू 12 करो, 1,80,000, 1,80,000 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 1,80,000 आएगा ना, कितना आ जाएगा, 1,80,000। फिर क्या देना है उसको, कमीशन। फिर इसको क्या देना है, कमीशन। तो डेबिट में लिखो टू कमीशन, किसको देना है, ए को। तो यहाँ लिखना टू कमीशन। अब कमीशन दोनों को देना है, किसको देना है, ए को भी देना है और किसको देना है, बी को भी देना है, ए को और बी को। क्या बोला है, नेट प्रॉफिट का, प्रॉफिट का कितना परसेंट, 10%। क्या लिखा पढ़ो यहाँ पे, 10% ऑन बिफोर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। यही बोला है कि नहीं बोला है, तो मैंने सिखाया था फॉर्मूला, याद है ना, जब बिफोर बोला डायरेक्ट परसेंट चार्ज कर दो, ठीक। तो देखो यहाँ लिखना, सबसे पहला यहाँ लिखना कमीशन ऑफ ए, पहला लिखो कमीशन ऑफ ए,
कमीशन ऑफ ए, तो देखो ए का कमीशन निकालना है, तो कमीशन निकालना है तो बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा, बिफोर कमीशन बोला ना, तो ब्रैकेट में लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, कमीशन काटने के पहले का कमीशन, ठीक है, इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो बोलो कमीशन कितना, नेट प्रॉफिट कितना आया, 440,000। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या कि सैलरी को भी घटाओ, जब ना बोले तो ज्यादा दिमाग मत चलाना, जितना प्रॉफिट दिया ना, जब प्रॉफिट के बारे में बोले तो हमेशा आपके दिमाग में प्रॉफिट का मतलब क्या आएगा, यही 440,000 ये वाला प्रॉफिट आएगा। अगर बोलता कि सैलरी घटाने के बाद भी आए तब उसका चार्ज करेंगे, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है, जैसा बोलेगा वैसा करना। 440,000 इंटू रेट कितना, 10 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करो कितना आएगा, 44,000। समझ आया कि नहीं आया, आ गया 44,000, तो बेटा यहाँ लिख देना कितना, 44,000। अब बी की बात आती है, बी के बारे में क्या बोला, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन काटने के बाद। चलो मैं बी का निकालता हूँ, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ लिख लूँ, नंबर दो कमीशन ऑफ बी, क्या लिखूंगा, कमीशन ऑफ बी, चलो बी का कमीशन निकालते हैं, ठीक है, कमीशन ऑफ बी। तो कमीशन कैसे निकालेंगे, कमीशन इज इक्वल टू आफ्टर चार्जिंग बोला कि नहीं बोला, तो यहाँ लिखना नेट प्रॉफिट हमेशा की तरह बिफोर कमीशन ही लिखोगे, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है, हो गया। तो बोलो नेट प्रॉफिट कितना, 440,000 इनटू रेट कितना, 10 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट कितना होगा, 110। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, दो कैंसिल, 40,000 कितना आ जाएगा, 40,000। तो बच्चों यहाँ लिख देना कितना, 40,000, दोनों को ऐड करके 84,000। समझ आया कि नहीं आया, खत्म कहानी, बस बाकी प्रॉफिट बांट दें। और कुछ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉइंग्स, स्टेप्स याद है कि नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, बोलो सर नहीं है सर, तो सीधा प्रॉफिट निकालो, चलो क्रेडिट ऐड करो, 440,000 को जोड़ो लो, 440 से इधर का देखो कितना आ रहा है, 180 और 84 कितना होगा, 180,000 प्लस 84,000 कितना आ जाएगा, बोलो 0,004,662,000। तो 440,000 में आपको घटाना है 264,000 रुपये, तो 0,006 इधर 13 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 7 176 कितना जाएगा, 1,76,000 किसको देंगे, टू पार्टनर्स, बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है, किसमें किसे बांटना है, ए में और बच्चों बी में बांटना है। समझ आया कि नहीं आया, क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी कैसे पार्टनर, सब बोला क्या रेशियो दिया है क्या, देखो क्वेश्चन में नहीं दिया, तो मैंने सिखाया था कि जब रेशियो ना दे तो क्या मानेंगे, इक्वल, तो इसको इक्वल बांट देना, बराबर बराबर आता ना बांटने, हाँ जी जी बिल्कुल इक्वल बांटेंगे, कितना बांटेगा इक्वल, तो देखो 1,50,000, 1,50,000, 70,35,000, 85,000 और 6,003,000, 88,000, यानी लिख सकते हैं 88,000 और 88,000, देखो आ गया होगा आंसर, हाँ भैया आ गया 88,000। समय बचाओ और नंबर कमाओ, समझ आया, स्पीड बनाना है, समय बहुत कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, समझ गए, नोट करो, फिर एक बड़ा क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी नोट करो। चलिए देखिए, अब मैं आपको और एक क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, देखिए एमपी क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोल रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर है, वो भी कैसे पार्टनर है, 3:2 के पार्टनर है, विथ कैपिटल ऑफ 5,00,000 and 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब उनका कैपिटल कितना कितना है, एक का 5,00,000 रुपये है, दूसरे का 2,50,000 है, समझ में आ गया। आगे देखिए क्या लिखता है, ऑन 1 अप्रैल 2021, ओके 1 अप्रैल 2021 का कैपिटल है ये, ठीक है, ये पहले से था, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं है बल्कि पहले से था, ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, दोनों पार्टनर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और कितना मिलता है, 10% पर एनम, ठीक। फिर कहता है ए इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, क्या बोल रहा है कि ए को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, कितना कमीशन मिलता है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, क्या बोला, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, जैसे ही नेट प्रॉफिट बोले तुरंत दिमाग की दिमाग में आपको दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि भैया आफ्टर है कि बिफोर है, पूरा देखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, लिखा हुआ है साफ साफ कि ए इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, क्या बोला,
कि भाई 10% और नेट प्रॉफिट देना है, बट क्या बोल रहा है, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिडक्टिंग मतलब घटाना, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर एनी कमीशन. इस वर्ड का मतलब समझे तुम लोग? इसका मतलब ये है कि जो नेट प्रॉफिट दिया रहेगा ना, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, कैसा नेट प्रॉफिट, जिसमें आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो जो आएगा उसका, बट बिफोर एनी कमीशन मतलब कमीशन मत घटाओ, मतलब नेट प्रॉफिट जो रहेगा नेट प्रॉफिट का निकालोगे, बट याद रखना उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा देना, वो जो आएगा उसका कितना परसेंट, 10% देना, ये कहने का मतलब है, समझ आया? इसके बाद बच्चों फिर क्या लिखा देखो, फिर कहता है बी इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 8% ऑन नेट प्रॉफिट। अब क्या बोल रहा है कि बी को भी क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, और कितना कमीशन मिलता है, 8% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है भाई इसको भी मिलता है, बट कैसे नेट प्रॉफिट का मिलता है, देखो साफ साफ लिखा है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब क्या बोल रहा है कि नेट प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट कैसा, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इस नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दो, एंड आफ्टर ऑल कमीशन, सारे के सारे कमीशन भी घटा दो, जितना आएगा उसका कितना परसेंट, 8%, ये कहता है, समझ आया? मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटा दोगे और सारे कमीशन भी घटा दोगे, उसका फिर कितना परसेंट, 8% देता है, मतलब सारे कमीशन मतलब ए का भी कमीशन घटाना है उसमें और बी का भी ऑलरेडी घटाना है, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2022, आपको दिया है प्रॉफिट कब का दिया है, 31st March 2022 का दिया है, प्रायोर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने के पहले, प्रायोर मतलब पहले, कितना दिया, 375,000 रुपये दिया हुआ है बच्चों। कहता है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है। आप बोलोगे सर आप तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिखाए हो, अभी जर्नल एंट्री, तो अभी जर्नल एंट्री को इग्नोर करो, मैं जर्नल एंट्री पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद ना लास्ट में तुम लोग को हिंट कर दूंगा, तब जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली तुम लोग बना लोगे, अभी सिर्फ पीएल सीखो, ठीक है, बाकी इकट्ठे सिखाएंगे आप लोग को। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया बात की नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो बस क्वेश्चन हम लोग बनाना स्टार्ट करें। जैसा बोला है किसकी एंट्री कहाँ होती पता है ना, तो सीधे हम लोग क्या बनाएंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, डन। ठीक, चलो बच्चों अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ऊपर हेडिंग लिखना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ऐसा लिखो हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बोलो कौन सा डेट, 31st March 2022, ठीक है। अमाउंट अकाउंट बनाओ, इधर पे देखो ऐसा कॉलम बना लेना, इस तरह से ये कॉलम हमने बना लिया, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर वगैरह तुम लोग लिखते रहना, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है, ध्यान दो। बोलो स्टार्ट, शुरुआत करें, बोलो कहाँ शुरुआत करो, जल्दी बोलो, क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा बाय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखूंगा बाय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं भी चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो प्रॉफिट कितना है, 375,000, ठीक है, अपना काम करें आप लोग, चलो बताओ। कैपिटल है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो बच्चों कहाँ एंट्री करूँ, डेबिट में, तो डेबिट में लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जैसा यूज करोगे उतना इंटरेस्ट लगाओगे, कौन कौन है, ए और कौन है, बी है, तो देखो 1 अप्रैल को लगाया था, साल के बीच में कोई कैपिटल में चेंजेस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सीधा निकाल दो, 5,00,000 का 10%, 50,000 पूरे साल भर का आ जाएगा, 2,50,000 का 10%, 25,000 पूरा कितना आ गया, 75,000 रुपये आ गया, बाहर निकाल दो, बात खत्म। ठीक, अब आगे क्या कहता है, ए को कमीशन देना है, क्या देना है, ए को भी देना है बी को भी देना है, तो बेटा यहाँ लिख देना टू कमीशन अकाउंट, क्या लिखोगे डेबिट में, टू कमीशन अकाउंट लिख दीजिएगा, और किसको किसको देना है, ए को देना है और किसको देना है, बी को, बट कहानी है यहाँ पर, वो कहानी हमको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। देखो पहला अपन कमीशन निकालेंगे ए का, तो नोट नंबर 1 में लिखना कंप्यूटेशन ऑफ, पहले किसका कमीशन निकालोगे, कंप्यूटेशन ऑफ ए निकालेंगे, समझ आया कि नहीं आया, तो निकाले कमीशन ए का, तो बोलो ए के कमीशन का क्या फॉर्मूला है, देखो कम फॉर्मूला को मारो गोली, क्वेश्चन में जैसा बोला है वैसा करो, क्या बोला, देखो ए को कमीशन कैसे दिया जाता है, ए को कैसे दिया जाता है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट, 10%, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसा नेट प्रॉफिट,
आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन, मतलब बिफोर एनी कमीशन, बिफोर एनी कमीशन मतलब कोई कमीशन मत घटाना बोलता है उसका 10%। तो नेट प्रॉफिट आपका 375,000 है बट इसमें क्या घटाने बोलता है, कमीशन नहीं करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना दिया, देखो 375,000 दिया है, बोला है इसी 375,000 का 10%, परंतु कैसा 10%, ऐसा प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, शॉर्ट में लिखूं चलेगा, 75,000 घटा दो, अब प्रॉफिट कितना आया 3,00,000। यही तो बोला है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दिए बट बिफोर एनी कमीशन, कमीशन मत घटाओ, कमीशन नहीं घटाए, इसी का कितना परसेंट 10%। तो सीधा निकाल दो, कमीशन इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट आया ना इसी का 10% निकाल दो, 3,00,000 का कितना परसेंट 10%, कितना आ जाएगा 30,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ चुपचाप लिख देना कितना रुपया, 30,000 रुपये। ऑल राइट, कोई परेशानी नहीं है सर, कोई परेशानी, एकदम आसान है कि नहीं। ठीक, अब बारी आती है किसका, बी की। तो बी का जैसे बोला है वैसा हम लोग क्या करेंगे, बी के लिए काम करेंगे, करें बी के लिए काम। तो बेटा नोट नंबर 2 लिखना कमीशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ कमीशन ऑफ बी, किसका कमीशन निकालेंगे, बी का। अब देखो बी के बारे में क्या बोला था, बी को बोला है 8% ऑन नेट प्रॉफिट, 8% ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन कैसा नेट प्रॉफिट, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर ऑल कमीशन, एंड आफ्टर कमीशन, सारे के सारे कमीशन घटाने के बाद, शॉर्ट में लिखा, समझ जा रहे हो कि समझ रहे हो, ठीक है, कमीशन, ठीक है, ये अलग है, ओके। तो कैसा नेट प्रॉफिट भैया, तो प्रॉफिट आपका बच्चों कैसा है, 375,000 है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, 375,000 का 10% देना है, और वही करते हैं हम लोग, बट क्या बोला इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटाओ, हमने बोला जी माई बाप घटा लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा लिए 75,000, फिर क्या बोला जो भी कमीशन है उसको भी क्या कर लो, घटा लो। तो बोलो कौन सा कमीशन निकाले हो तुम लोग, 30,000, उसको भी घटा लो, चलो उसको भी घटा लेते हैं, ठीक है, घटाओ कितना आया 270,000। ठीक, तो नेट प्रॉफिट आया कि नहीं आया बिफोर कमीशन, 270,000, क्या बोला था आफ्टरवर्ड दिया कि नहीं दिया, कमीशन निकाले इसी 270,000 का 10% 8% निकालना है, इसी 270,000 का 8%, तो अपन लिखेंगे देन कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन इज इक्वल टू 270,000 का कितना परसेंट, रेट ऑफ कमीशन 8%, बट यहाँ आफ्टर बोला था कि नहीं बोला था, तो क्या करेंगे 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, मानते हो कि नहीं मानते हो, 100 प्लस क्या लेना पड़ेगा रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस क्या लेना पड़ेगा रेट ऑफ कमीशन, नहीं सिखाए थे आफ्टर दिया था ना, यहाँ पे पूरा आफ्टर नहीं दिया, देखो ना आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर कमीशन, यहाँ पे बिफोर वर्ड लिखा था, सीधा परसेंट चार्ज कर दिए, यहाँ पे आफ्टर वर्ड लिखा है, इसलिए हमने 8/108 याद आया, सॉल्व करें, तो देखो कैंसिल करो, किससे जाएगा कैंसिल होगा, देखो 2 के टेबल से जाएं, 2 5 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 54, कितना आ गया 54, ठीक है, 4 के टेबल से जाएगा क्या, नहीं जाएगा 4 के टेबल से, नहीं जाएगा 4 के टेबल से, नहीं जाएगा 3 के टेबल से जाएगा, देखो 3 या 9 से, 9 6 ज़ा 54 है ना, और 9 3 ज़ा 27 तीसरा आ गया, 6 1 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30, 5,000 × 4 20,000 कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा बच्चों, ये आ गया इंटरेस्ट कितना 20,000 रुपया आ गया, और बाहर निकाल दिए कितना 50,000, कैसा लगा, है आसान बन जाएगा, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन बताया मैंने आपके बुक का कमीशन से रिलेटेड, अगर ये बना लिए समझो सब बना लिए, ठीक है। जितना देखो मैं साल भर आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ ना अकाउंट्स में, जितना भी साल भर का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बस थोड़ा हो सकता है अमाउंट चेंज कर दे बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा और एग्जामिनेशन वाले ही क्वेश्चन कराऊंगा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मतलब जो साल भर में पढ़ा रहा हूँ ना इसी क्वेश्चन को अगर घर जाके आप एक दो बार बिना देखे प्रैक्टिस कर लें, समझ लो आपके पूरे फाइनल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, समझ गए, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आ गया, चलो निकालें 375 और इधर घटाओ 375 में दोनों घटाओ, कितना है 7 1,25,000, कितना आएगा बोलो 2,50,000, कितना जाएगा 2,50,000, कैलकुलेट करके देख लो बैलेंसिंग
375,000 क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। ए और कौन, बी, कौन सा रेशियो इनका पार्टनर लोग का, 3:2 बांटना आता ना 3:2 में, चलो बांटो, 3 × 2 = 5, 5×5 = 25, 50,000, 50 और 3 1.5 लाख और 1 लाख आ गया आंसर, 2.5 लाख बाहर निकाल देना, नहीं आया समझ में, इजी लगा कि नहीं लगा। तो आज कमीशन वाली बातें ख़त्म हुई कि नहीं हुई, अब आपकी बुक में जो भी कमीशन वाले क्वेश्चन है वो बड़े आराम से क्या होगा, बनेगा, जैसा बोलेगा वैसा करना, कुछ नहीं बोलेगा, खाली प्रॉफिट का जिक्र करेगा तो आपको मतलब फिर इस वाले प्रॉफिट से होगा, बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाओ, सैलरी घटाओ, तब फिर वैसा काम करना, समझ आया। चलिए बाकी चर्चा कल के क्लास में, कुछ नया चीज़ सीखेंगे, ओके, थैंक यू बच्चों।